हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 लोकसभा सीटों में से 10 की 10 बीजेपी जीत रही है। रही सोनीपत लोकसभा सीट की, उसमें जो हमारे मोहनलाल बडोली हैं वो एक तरफा बहुमत से जीत रहे हैं। क्या लग रहा है अब की बार जीत मोहनलाल बडोली जी। क्या माहौल लग रहा है अब की बार यहाँ? अब की बार यहाँ बेटी कांग्रेस आएगी। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो यही है, सतपाल जी महाराज को ही जिताएंगे। सतपाल जी महाराज को ही। सतपाल महाराज, किसकी तरफ रुझान ज्यादा लग रहा है? देखो, हम तो बीजेपी के आदमी हैं। बीजेपी के कौन सा? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रूही और आप देख रहे हैं अलख हरियाणा। इस वक्त हम मौजूद है पिल्लू खेड़ा के बाजार में। मेरे आसपास आप देख सकते हैं काफ़ी दुकानें हैं, काफ़ी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं। इनसे लोकसभा चुनाव के लेकर जानेंगे कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर कैसा मूड है, क्या माहौल है, कौन आ रहा है, किसकी तरफ रुझान ज़्यादा है, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं सुनील शर्मा, आडुआ गांव से हूँ। पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को नमस्कार। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 लोकसभा सीटों में से 10 की 10 बीजेपी जीत रही है। रही सोनीपत लोकसभा सीट की, उसमें जो हमारे मोहनलाल बडोली हैं वो एक तरफा बहुमत से जीत रहे हैं। हाँ जी सर, आज की बार पिल्लू खेड़ा किधर देगा गेड़ा, कहाँ जा रहा है? यहाँ तो एक तरफा जो माहौल है सतपाल ब्रह्मचारी जी के पक्ष में है। अच्छा। सफीद हल्का से 60,000 वोटों से सतपाल ब्रह्मचारी जी जीत रहे हैं। तो उनका जीन से होने का कोई फायदा यहाँ पे? उनका ग्रह क्षेत्र पिल्लू खेड़ा ब्लॉक के गांगोली गाँव के हैं। अच्छा। उनका यहाँ पर बहुत प्रभाव है, उनका पूरे इलाके में उनका दबदबा है। अच्छा। वो समाज सेवा करते रहते दिन रात, उनका पब्लिक की सेवा करना ही उनका परम धर्म है। ये इतने कॉन्फिडेंस से बीजेपी का बोल रहे थे आप? वो तो देखो, सब आदमी के अपने विचार है। ये तो पब्लिक को सारा आप लोगों के सामने 25 तारीख को जब वोटिंग पड़ेगी, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब सारे विचार आप सबके सामने रिजल्ट होगा। ठीक, क्या नाम है सर? मेरा नाम मदनलाल जी है जी। क्या लग रहा है इस बार, किसकी तरफ रुझान ज्यादा है? रुझान तो देखो जनता के हाथ में होता है, जनता भगवान का रूप होती है, जनता का तो फैसला होगा वही तो सर्वोपरि होगा। वो आपको क्या लग रहा है किधर देखो जाएगा काम? तो देखो, जो हमारे उप मुख्यमंत्री है दूसरे चौटाला जी, उन्होंने कोई कमी तो छोड़ दी नहीं, किसान हित को लेकर के ही वो बीजेपी में गए थे। अच्छा। लेकिन जनता को कुछ शायद हाँ अच्छा नहीं लगा। अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार देखो, ये तो मैडम मैं तो फैसला नहीं कुछ नहीं बता सकता ना मैं तो। किसका काम अच्छा लगा आपको बीजेपी काम? तो देखो, जब दुष्यंत जी इतने बीजेपी में रहे, किसानों की समय पर फसल के भाव मिले, उचित भाव मिले। अच्छा। और बिल्कुल जायज रेट जेजेपी के, बिल्कुल तो मैं हाथों हाथ किसान की फसल बिकवा दी, उसी टाइम पेमेंट करवा दी। दुष्यंत से अच्छा नेता हरियाणा में आना नहीं, युवा लड़का है, दुष्यंत चौटाला सही थे। बिल्कुल एकदम जबरदस्त है, बिल्कुल बहुत बढ़िया नेता हो तो दुष्यंत जैसा हो जी। पवन कुमार जी, क्या लग रहा है अब की बार जी मोहनलाल बडोली जी सबसे ज्यादा वोटों से मोहनलाल बडोली जीते हैं हरियाणा में। कोई सीट जीत रहे हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी आए हैं। सतपाल ब्रह्मचारी बस ठीक है, सभी आते हैं जिस भी पार्टियों के आते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो काम किए ना हरियाणा में या पूरे देश में, इससे अच्छी सरकार कोई हो नहीं सकती हमारे हिसाब से। आपको बीजेपी का कौन सा काम अच्छा लगा? काम ये अच्छा लगा जी, जिस घर में किसी गरीब परिवार में जिस घर में सुबह रोटी मिल जाती, शाम को रोटी के लाले पड़े रहते थे, उन बच्चों को कांग्रेस सरकार में जिन नौकरियों के 50-50 लाख रुपये करीब रिश्वत होती थी ना, जो रेट होते थे उन नौकरियों के। हाँ। वो गरीब बच्चों को फ्री में मिली 50-50 लाख, जिसका हाँ जिसका रोटी खाने का भी होती था, रोजगार मिल रहा है। हाँ, फ्री में रोजगार, बिना पर्ची का खर्च। बीजेपी ने रोजगार ही नहीं दिया, जो बोल रहे हैं जी वो उनका 10 साल से भूखे मर रहे हैं, वो सोच रहे हैं एक बार खुशी हाथ लग जाए और सारी बड़ाई को चाट जाएंगे। रिकॉर्ड उठा के देख लो जी, सबसे ज्यादा किसी मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरी लगाई है तो मनोहरलाल खट्टर ने बीजेपी सरकार ने लगाई है। क्या जी? जी एक तरफा बीजेपी का है जी, मोहनलाल बडोली। क्या नाम है अंकल आपका? ओम प्रकाश। आप भूख कभी रहे? हाँ।
तम्बाकू चुकाना ओका पी रहा है कि सारा तो ये तो बर्जा रोक के पी लिया। क्या माहौल लग रहा है आपकी बार यहाँ? आपकी बार यहाँ बेटी कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ। अच्छा, सतपाल महाराज की वोट पड़ेंगी। अच्छा, वो जीन से है, कोई फायदा दिख रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ कोई फायदा नहीं, आज का बीजेपी का मतलब है, बीजेपी का नहीं है। नाराजगी है बीजेपी से? बीजेपी से नाराजगी आई है कि मैं काम करा दिन हो रही है, तीसरा दिन का काम बाढ़ी रहा हमने। अच्छा, 10 साल से कोई काम नहीं हुआ यहाँ? ना, कोई काम नहीं हो रही। कांग्रेस आएगी तो कराएगी काम? वो उसकी देखी जाके आओगी, कराओगी ना कराओगी। सरकार पहले भी थी बीजेपी से पहले, तब हुए थे काम यहाँ? जब भी कुछ नहीं हुआ ना, भी बोलता है कि अच्छा अपना वोट देने दे तो देंगे। काम कौन करवाएगा फिर? है, काम तो सरकारें कराओगी। तो कौन से सरकार? हम तो करके खाना बेटी। अच्छा, ऐसे सवेरे अपनी दुकान पर जावा और अपना शाम तम्बाकू बेच लिया, रोके पी लिया, सामने तक अपना चार रोटी खाकर मारिए पूरा अपना सो जावा। अच्छा, ताई ठीक है? ना, ताई तो कुछ नहीं। अच्छा, दिल्ली गई थी। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। क्या लग रहा है आपकी बात? कहाँ जाएगा इधर का गेड़ा? बैठी नो है, दो टाइम दर रोटी खा लिया। हाँ, अरे दो तीन घंटे तक सारे दौर बैठ जाऊँ, फिर ओखा पी लिया। अच्छा। और क्या है नहीं मेरा काम काज की बात करें, कौन सी सरकार का काम बढ़िया लगा? मेरा नहीं कौन सी करे, हमने ना मैंने काम करवाना, कोई सी पर नहीं करवाना था, कोई ही आओ के काम करवाना है, थोड़े इधर अंदर रहे मर गए, थोड़े इधर अंदर बेटी के काम करवाना मैंने बेटा। काम होने चाहिए ना शहर भर में, गांव में काम तो होना चाहिए। मैंने थानेदार बुलाए थे तुम? अच्छा, थानेदार? हाँ। कि फिर क्या करोगे आप थानेदार लग के? पाट जाए को बदमाशी करा तोड़ ले उसके। अच्छा, बस फिर वो तो आप अभी भी ठीक कर सकते हो उनको, बदमाशी करेगा बस का कुछ नहीं रहे। अच्छा, टेमो लिया ना, नौकरी चाहिए ना धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मैं रोटी मिले जाओ एक बार दो टेम ये बस, बहुत इतना ही बहुत है। बस बस एक बार उधर जाइयो, नहीं कोई ना कोई बात मतलब सी आओ बात बूत करनी उन उन तक कर दो। अरे मैं ऐसे हो बात बूत बंद घाटे हो करनी। क्या बात हो गई अंकल? कुछ नहीं होना था क्या? फिर आप अपनी राय वैसे रख सकते हैं ना, सबने रखी है, आप भी बताइए क्या, क्या माहौल लग रहा है की बारे? हाँ, माहौल तो यही है, सतपाल जी महाराज को ही जिताएंगे। इसको जिताएंगे? सतपाल जी महाराज को। सतपाल महाराज को जिताएंगे। हाँ। उनका काम अच्छा लगा? काम अच्छा नहीं लगा, सरकार बदलती रहे तो अच्छा। सरकार बदलती रहे? हाँ। अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव तो पिछली सरकार से कुछ नहीं थे? नहीं, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बदलाव चाहिए आपको? बदलाव चाहिए। राम राम। ठीक हो आप? अनुराग मारिया। अनुराग मारिया। अच्छा, अब की बार क्या लग रहा है, किसका जोर ज्यादा है? एक बार तो गांगुली का। गांगुली का? अच्छा, काम किसने करवाया? बीजेपी ने, कांग्रेस ने, किसने कहा? तो बीजेपी ने भी बता रहा है। अच्छा, बीजेपी ने? हाँ। अच्छा, मत रहा करा नजूट नहीं बोलता, इतना काम कराया है किसी ने? नहीं कराया है किसी ने, काम नहीं कराया? नरेंद्र ने बताया कराया। नरेंद्र ने? मोदी ने। मोदी ने? अच्छा। अरे ये भैया मारा गुआंढी आ रहा है। कौन? सतपाल महाराज। सतपाल महाराज। अच्छा अच्छा, करीब तो सारे गांव राम में से। अच्छा, ये मेरे अंदर मारिया है। क्या अंदर मारिया? अच्छा, काम में कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए। क्या नाम है अंकल? पोल से। किसकी तरफ रुझान ज्यादा लग रहा है? देखो, हम तो बीजेपी के आदमी हैं। बीजेपी के? कौन सा काम अच्छा लगा बीजेपी का? सारा ही बढ़िया है। सारे ही बढ़िया है। अच्छा, आपके बारे में सतपाल महाराज ब्रह्मचारी? देखो, अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, टाइम बताएगा, टाइम अभी बढ़िया है बाकी। ठीक है, अब तो उनसे पूछ लिया, अब आप बता दो क्या लग रहा है आपकी बात? देखो मैम, अभी तो बराबर का ही माहौल है यहाँ पर। बराबर का है? हाँ। किसी का जोर ज्यादा नहीं है? अच्छा, सतपाल ब्रह्मचारी? सतपाल जी के आने से ये सीट थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। अच्छा, जिन से पहली बार यहाँ पे? सोनीपत से। आप वो जिन से मतलब वो है ना नाम पहली बार जिन से, हमेशा तो यहाँ से सोनीपत के लिए? हाँ हाँ, थोड़ा तो दो या तो माहौल सा चेंज हो गया थोड़ा। अच्छा, माहौल चेंज हो गया। बराबर की टक्कर है अभी तक कोई मतलब वो नहीं है। अच्छा, किसकी टक्कर है? बीजेपी की और कांग्रेस की। अच्छा। सतपाल महाराज की और उसकी मोहन लाल बडोली। हाँ जी। अच्छा, तो कौन किस पे भरे पड़ने वाला है?
अभी तो काफी टाइम बाकी है, काफी टाइम बाकी है, उसके बाद देखते हैं मोल क्या होता है। ठीक, क्या नाम है अंकल जी? ठीक है आप? हाँ ठीक। क्या लग रहा है आपकी बार यहाँ पे चुनाव को लेकर, किधर रुझान ज्यादा है? इसमें तो कुछ नहीं रुझान, कल तो आया है वो। कल तो आया है? अच्छा, इससे पहले क्या लग रहा था? इससे पहले तो अकेला था, उसमें तो उससे का लगा और किसका लगा, बीजेपी का लगा। अच्छा, अभी यहाँ तक सतपाल ब्रह्मचारी का नाम आया है। हाँ, ये मुकाबला तो है, लग रहा है कि मोहनलाल बड़ोली मुकाबला मुकाबला है, ये कांटे की टक्कर। हाँ, अच्छा। इस टाइम तो कांटे की टक्कर आ गया, देखेंगे फिर तो पंचायत दिन में पता लगा असली तो। अच्छा, कौन किस पे भारी पड़ेगा। हाँ, यहाँ हम थे पीलूखेड़ा में, जहाँ हमने लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से, दुकानदारों से, व्यापारियों से बातचीत की कि यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है। कोई कह रहा है बीजेपी, कोई कह रहा है कांग्रेस। आप भी बताइए कि किसकी तरह रुझान ज़्यादा है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अलख हरियाणा के साथ। शुक्रिया।